सो हेलो गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सो गाइस यार, आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, शुरू से लेकर एंड तक देखना। मुझे एडवांस सर्वर मिल चुका है और आप सभी को पता है कि एडवांस सर्वर क्या होता है। एडवांस सर्वर का यूज़ करके हम आने वाले कुछ नए अपडेट्स को देख सकते हैं। बहुत सारे इसमें नए अपडेट्स होते हैं जो हम देख सकते हैं, जैसे कि आने वाला नया कैरेक्टर, आने वाला नया पेट। तो ऐसे ही बहुत सारे नए अपडेट्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। और गाइस चलो यार, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, मैंने एडवांस सर्वर को थोड़ा बहुत खेला तो यहाँ पे मेरे को बहुत सारे नए अपडेट मिल गए। और जब मैंने एडवांस सर्वर के अंदर ट्रेनिंग मोड खेला तो ट्रेनिंग मोड के अंदर भी बहुत सारे नए अपडेट मेरे को देखने को मिले। और साथ ही साथ ट्रेनिंग मोड के अंदर मेरे को ग्लू वॉल भी मिल रहा है। तो ग्लू वॉल कहाँ पे आएगा वो कंफर्म हो चुका है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में आगे। और गाइस, मैंने अपने सेकंड चैनल यानी कि KTM आर्मी का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, नीचे कमेंट में, तो जाके उसको सब्सक्राइब कर दो। साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर दो। वहाँ पे मैं एडवांस सर्वर का लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो वहाँ पे लाइव पे आके आप मेरे को पूछ सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आने वाले नए कैरेक्टर के बारे में। तो आप में से बहुत बंदों ने ये वाला नया कैरेक्टर देख लिया होगा, लेकिन आप में से किसी को भी कंफर्म नहीं पता कि इसकी पावर क्या है, क्योंकि इसकी पावर थोड़ी इस तरीके से लिखी गई है कि उसको समझना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे मैं आपको 100% कंफर्म समझा दूंगा कि कैसे इसकी पावर वर्क करती है, यानी कि इसकी एबिलिटी क्या है। सो गाइस, इसकी एबिलिटी ये है कि अगर आप कोई हीलिंग आइटम यूज़ करते हो तो आपको 20% एक्स्ट्रा पावर मिलेगी। जैसे आप एक मेडिकेट यूज़ करते हो तो आप सभी को पता है कि मेडिकेट से हमें 75 HP मिलता है। तो अगर आप इसका मैक्स लेवल करके इसको यूज़ करते हो और फिर अगर आप मेडिकेट यूज़ करते हो तो आपको एक मेडिकेट से 90 का हेल्थ मिलेगा, यानी कि 20% हेल्थ एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब टोटल मिला के 75 आपको HP मिलता है एक मेडिकेट से, लेकिन अगर आप इसको यूज़ करके मैक्स लेवल करके फिर यूज़ करते हो तो आपको 90 HP मिल जाता है। और गाइस, इतना ही नहीं, आप सभी को पता है कि जब भी हम नॉक होते हैं यानी कि डाउन हो जाते हैं, उसके बाद हमारी जो रेड कलर की हेल्थ होती है तो वो धीरे धीरे ख़त्म होती रहती है, मतलब कम होती है। और जब वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है फिर आप मर जाते हो। तो यहाँ पे जो है, अगर आप इस कैरेक्टर को मैक्स लेवल पे यूज़ करते हो तो आपका जो हेल्थ गिरने का टाइम होता है यानी कि कम होने का टाइम होता है वो भी 30% कम हो जाता है। यानी कि अगर दो बंदे एक साथ डाउन होते हैं तो जिसके पास ये कैरेक्टर होगा वो 30% ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहेगा। तो ये कैरेक्टर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताना। और गाइस, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की ओर। सो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं आने वाले नए पेट के बारे में, जिसका नाम है ओटर। तो यहाँ पे इसको बाय कर लेते हैं और देखते हैं इसका पावर क्या है, इसका एबिलिटी क्या है, इसकी कौन कौन सी स्किन अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हेडफोन से गाने सुन रहा है और देखने में बहुत ही ज़्यादा पांडा जैसा मैच हो रहा है। जैसा हमारा पांडा दिखता है उसी तरीके का ये थोड़ा बहुत दिख रहा है मेरे को। और दो दिन पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया था कि ओटर आने वाला है। उसका मैंने फ़ोटो कुछ और दिखाया था, लेकिन ये उसका बच्चे टाइप का दिख रहा है। तो बेसिकली आप देख सकते हो इसका स्किन जो है किस तरीके का दिखता है, इसके इमोट किस तरीके के हैं। और यहाँ पे 3 इमोट हैं जो आपके लेवल वाइज अनलॉक हो जाते हैं। ये तीनों इमोट मैं आपको दिखा देता हूँ एक एक करके, और ये लास्ट वाला इमोट फिर से दिखा देता हूँ, ये गोल घुमा रहा है यहाँ पे। और बात करें इसकी स्किन के बारे में तो लेवल 1 पे आपको ये स्किन मिलती है, और अगर आप इसका लेवल 6 कर लेते हो तो यहाँ पे आपको एक और स्किन मिल जाती है बिल्कुल फ्री में। और यहाँ पे आप इसकी पावर के बारे में बात करते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये देखने में थोड़ा थोड़ा पांडा जैसा लग रहा है, और साथ ही साथ इसकी जो पावर है यानी कि इसकी जो एबिलिटी है वो भी थोड़ी थोड़ी पांडा जैसी है। तो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ इसकी पावर क्या है। सो गाइस, इसकी पावर ये है कि अगर आप एक मेडिकेट यूज़ करते हो तो उससे आपकी जो HP बढ़ती है उसे 50% आपकी EP भी बढ़ जाएगी। यानी कि सपोज़ कि अगर आप एक मेडिकेट यूज़ करते हो तो उससे आपको 75 HP मिलती है, तो साथ ही साथ आपको यहाँ पे आधी उससे EP भी मिल जाएगी, यानी कि करीबन 38 आपको EP मिल जाएगी। यानी कि सिंपली आपको एक मेडिकेट लगाना है, उससे जो मेडिकेट का पावर है वो तो मिलेगा, और मेडिकेट का जितना पावर होगा उससे आधा आपको EP भी मिल जाएगा। तो ये वाला पेट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। और गाइस, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की ओर। सो गाइस, अब आपको मैं आने वाले 4 नए इमोट्स दिखाने वाला हूँ। हाँ गाइस, 4 नए इमोट दिखाने वाला हूँ जो आने वाले हैं। तो यहाँ पे आप चारों के चारों देख के कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको इन चारों में से कौन सा अच्छा लगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि वो चारों कौन से हैं। तो शायद ये वाला तो पहले ही आ चुके हैं, ये वाला भी आ चुका है पहले, और ये वाला भी आ चुका है इसके बाद वाला, ये। तो गाइस, ये वाला इमोट आप देख सकते हो, ये नया इमोट है। इस पर लिखा हुआ है टी टाइम, यानी कि चाय का टाइम हो चुका है। और यहाँ पे देखो, मतलब ये खुद की कुर्सी बना रहे,
और कुर्सी के ऊपर बैठ के टेबल भी बना रहा है और साथ में चाय पी रहा है। तो यार मेरे को तो यार ये वाला सबसे बेस्ट लगा, आपको कौन सा लगा देखने के बाद ज़रूर से बताना। और फिर से यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, तो ये चाय पी रहा है। सो गाइस अब दूसरा इमोट देखते हैं। तो ये वाला इमोट आप देख सकते हो, इसका नाम है ब्रिंग इट ऑन। और यहाँ पे ये भांगड़ा टाइप कोई डांस कर रहा है और शायद ये तारक मेहता में छोटी पाजी जो करते हैं पंजाबी वाला डांस, वो लग रहा है मेरे को थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है, ठीक है वो नहीं है। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना ये कौन सा डांस है, बाकी मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा है कौन सा डांस है, बाकी ये डांस है इतना समझ में आ रहा है। और यहाँ पे हमारा तीसरा इमोट है वाई, ओ वाई, यानी कि क्यों, ऐसा क्यों। और मतलब लिटरली अगर आपका कोई फ्रेंड मर जाता है तो आप ये वाला इमोट दिखा के उसको बता सकते हो कि भाई तेरे को नहीं मरना था, अब मैं नहीं जीत पाऊंगा, मतलब ऐसा कुछ भी आप मतलब जो भी दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो। और गाइस आखिरी इमोट का नाम है फैंसी हैंड्स, और इसको देखने के बाद मेरे को लग रहा है कि मैं फ्री फायर छोड़ के गलती से सर्कस के अंदर आ गया। ये मतलब कुछ करता हूँ जैसा दिखा रहा है, मेरे को हंसाने का ट्राई कर रहा है। बाकी ये वाला इमोट मेरे को बेस्ट लगा, आपको कौन सा बेस्ट लगा कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। सो गाइस अब बात करते हैं ट्रेनिंग मोड में होने वाले अपडेट्स के बारे में, और यहाँ पे आपको ग्लू वॉल कैसे मिलेगा वो भी मैं लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। सो गाइस यहाँ पे शील्ड गन भी अवेलेबल हो चुका है जिसका आप ट्रेनिंग मोड में यूज़ कर सकते हो। शील्ड गन वही है जिसके आगे एक शील्ड बना हुआ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट वाला गन का नाम क्या है, शील्ड गन ही है। और यहाँ पे आपको मैं लेके दिखा देता हूँ ये किस तरीके का दिखता है। और गाइस इसके अंदर कौन कौन से अटैचमेंट लगते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। और गाइस यहाँ पे देखो अटैचमेंट के अंदर एक नया चेंजेस हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रिप लेवल 1, 2, 3 तीनों आ चुके हैं, स्ट्रोक 1, 2, 3 आ चुका है, मैगजीन 1, 2, 3 आ चुका है। पहले यहाँ पे सिर्फ 3 की आइटम मिलती थी, यानी कि लेवल 3 के सारे आइटम मिलते थे, लेकिन अब यहाँ पे 1, 2 का भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कोई टेस्ट करना चाहते हो कि 1 की मैगजीन में कितनी गोली आती है, 2 के मैगजीन में कितनी आती है, तो आप यहाँ पे आके टेस्ट कर सकते हो। सो गाइस अपडेट के बाद आपको यहाँ पे एक डब्बा देखने को मिलेगा, तो इस डब्बे के ऊपर आपको चढ़ जाना है और यहाँ पे यूज़ का बटन आएगा तो उसको क्लिक कर देना है। और गाइस यहाँ से आपको ग्लू वॉल नहीं मिलेगा, यहाँ से आपको स्टन ग्रेनेड मिलेगा, यानी कि व्हाइट कलर का जो ग्रेनेड होता है वो वाला मिलेगा। और ग्लू वॉल कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सिंपली आपको पता है कि ट्रेनिंग मोड में जो घर होता है जिसके ऊपर मतलब जिप लाइन होती है, तो आपको उस घर के अंदर चले जाना है। ये वाला घर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी वाला घर के अंदर आ जाना है। और इस वाला घर के अंदर भी एक डब्बा रखा हुआ होता है, आप सभी को पता है पीछे की तरफ। तो यहाँ पे इस डब्बे के ऊपर आ जाना है और इसके ऊपर भी आपको यूज़ का बटन मिलेगा। तो जैसे आप यूज़ का बटन क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 5 ग्लू वॉल मिल जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये आने वाले कुछ दिनों के बाद ऐड हो जाएगा, शायद मेरे को लगता है ये 10-15 दिन बाद जो अपडेट आने वाला है उसी के अंदर ये ऐड हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है ज़रूर से बताना। और गाइस ये कोई एडिटिंग नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये रियल है और ये मैंने खुद से किया है, ये और किसी का वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद से बनाया है एडवांस सर्वर का। तो हो सकता है कि ये 10-15 दिन बाद जो अपडेट आएगा उसी के अंदर आपको ये देखने को मिल सकता है। और गाइस क्लैश कोड मोड जो है कलारी मैप में अवेलेबल हो चुका है एडवांस सर्वर में, तो हो सकता है कि 10-12 दिन बाद जो अपडेट आने वाला है उसके अंदर हमारा ये अपडेट भी आ जाएगा, यानी कि कलारी मैप में हम क्लैश कोड खेल पाएंगे। तो जिसको भी यार क्लैश कोड पसंद है वो लोग कमेंट करके ज़रूर से बताना कि ये वाला अपडेट आपको कैसा लगा। मेरे को तो यार बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यार मतलब कलारी मैप जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसको क्लासिक में खेलने का मज़ा नहीं आता है। तो अगर ये क्लैश कोड मोड में आ जाता है तो इसको खेलने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। और गाइस एडवांस सर्वर के और भी बहुत सारे अपडेट्स हैं मेरे पास, जैसे कि यहाँ पर स्मोक ग्रेनेड आने वाला है और भी बहुत सारी नई चीज़ें आने वाली है, तो वो सारी चीज़ें मैं कल के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि आपने बेल आइकन को ऑल पे सेट किया हुआ है। अगर अभी तक नेशनल गेमर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेशनल गेमर को सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लो। कल के वीडियो में यार और भी मैं बहुत सारे बड़े बड़े अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ, और उसमें एक बड़ा अपडेट ये रहेगा स्मोक ग्रेनेड, और वो मैं आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगा। तो ज़रूर से कल का वीडियो याद से देख लेना। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, नेशनल गेमर को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पे सेट कर देना। सो गाइस बस फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय।